दोस्तों आज के वीडियो में जो है बात करने वाले हैं मुंबई बनाम चेन्नई के बीच में जो बहुत ही बड़ा ग्रैंड फिनाले होने वाला है। इस वीडियो में करेंगे दोनों टीम्स की कंपैरिजन, बताएंगे कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम जो है चौथी बार चैंपियन बन सकती है वीवो आईपीएल के। तो दोस्तों आप सभी को जो है जानना है, देखना है, तो दोस्तों वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी जो है मुंबई चेन्नई के फैन हो, आईपीएल के फैन हो, तो वीडियो को जो है ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसी जो है वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब भी याद से कर लीजिए। दोस्तों एक बात तो फिक्स है, संडे को जो है या तो मुंबई या तो चेन्नई कोई एक टीम जो है चौथी बार उठाएगी वीवो आईपीएल का कप, और वो जो है एक ऐतिहासिक लम्हा होगा, क्योंकि आईपीएल में जो है कोई भी टीम चार बार कप नहीं जीती है, लेकिन संडे को जो है इतिहास रचा जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, तो कर लेते हैं मुंबई के ओपनर्स और चेन्नई के ओपनर्स की बात। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के ओपनर की, तो हम सभी को पता है रोहित मैन शर्मा, ये साल जो है रोहित शर्मा उतने फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके साथीदार है क्विंटन डिकॉक, एक विदेशी खिलाड़ी होने के कारण, एक स्पिन विकेट पे खेलने के कारण जो है क्विंटन डिकॉक मुंबई के हाईएस्ट स्कोरर है, 500 रन से ऊपर बना चुके हैं क्विंटन डिकॉक। तो इसी से जो है मालूम पड़ता है कि क्विंटन डिकॉक बहुत ही अच्छे लय में है, और ओपनिंग में जो है खास करके क्विंटन डिकॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई के ओपनर्स की, जहाँ पे जो है फैफ डुप्लेसिस बहुत अच्छा खेल दिखा रहे हैं, लेकिन शेन वॉटसन जो है एक दो मैचेस में फॉर्म में आ चुके हैं। दोस्तों हालांकि जो है पिछले मुकाबले में शेन वॉटसन ने शानदार 50 रन की पारी खेली। आप सभी जो है एक बात नोटिस कर रहे होंगे, शेन वॉटसन जो है हमेशा बड़े मंच पे परफॉर्मेंस करते हैं। ये जो है एलिमिनेटर एक बहुत बड़ा मंच था, उस बड़े मंच पे जो है शेन वॉटसन ने परफॉर्मेंस किया, और 2018 के फाइनल जो था वो भी इतना बड़ा मंच था, वहाँ पर भी शेन वॉटसन ने परफॉर्मेंस किया था। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बिग शार्क है हमेशा बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस करता है। दोस्तों बात करते हैं मिड ऑर्डर्स की, तो मुंबई की जो है कमान संभालेंगे सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और कुणाल पांड्या। ये तीनों जो है भारतीय खिलाड़ी है, और भारतीय खिलाड़ी का टीम में होने का मतलब ये है कि ये जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलेंगे, जो कि चेन्नई के पास है हरभजन, जडेजा और ताहिर। अब बात करते हैं चेन्नई के मिड ऑर्डर्स की, तो वहाँ पर जो है सुरेश रैना, अंबती रायडू और मुरली विजय, यहाँ पर भी तीनों है भारतीय खिलाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोनों टीम्स बराबर खड़ी है उनके मिड ऑर्डर्स के मामले में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिनिशर की, यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी कमान सामने आती है। मुंबई के पास है हार्दिक पांड्या और कारण पोलार्ड, वहीं चेन्नई है उनके पास है महेंद्र सिंह धोनी। दोनों जो है एक तरीके से समान फिनिशर मौजूद है। ये साल जो है हार्दिक पांड्या का साल बहुत ही अच्छा गुजरा है, उनका जो साथ है वो दिया है कारण पोलार्ड ने बखूबी। वहीं जो है चेन्नई के लिए महेंद्र सिंह धोनी अकेले फिनिशिंग करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है चेन्नई को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके पास जो है धोनी इकलौते हैं, लेकिन मुंबई के पास जो है हार्दिक पांड्या भी बचे हुए और कारण पोलार्ड भी बचे हुए हैं। दोस्तों अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो चेन्नई की जो टीम है और धोनी है वो पूरे 12 साल में से 9 बार फाइनल तक पहुंचे हैं, 9 में से 3 बार जीते हैं, और वहीं जो रोहित शर्मा है वो 3 बार पहुंचे हैं और 3 में से 3 बार जीते हैं। हालांकि रोहित शर्मा की जो है किस्मत, मेहनत और जो उनका एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। धोनी है, धोनी भी बहुत बड़े खिलाड़ी है, उनको भी पता है कि फाइनल में क्या करना है, लेकिन जो ये मुंबई की टीम है लय में है, फॉर्म में है, ऑलरेडी चेन्नई को 3 बार ये साल हरा चुकी है, और चौथी बार भी चाहेगी हराया जाए, उनका जो कप है उठाया जाए। वहीं चेन्नई की टीम चाहेगी, 3 बार तो हरा दिए है, अगर एक बार हम इनको हरा दें फाइनल में तो सारा हिसाब जो है चुकता हो जाए। दोस्तों आप सभी के हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी फाइनल, बताओ नीचे कमेंट करके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।